या जय भीम बाबा साहेब अम्बेडकर को सभी जन जानते हैं, उन्होंने एक स्लोगन रेस किया था जय भीम का। लेकिन जय भीम का स्लोगन रेस करने के पीछे जिन महान व्यक्ति का नाम था वो आज कोई नहीं जानता। बोले इंडिया जय भीम उसी महान व्यक्ति के विषय में है। उनका नाम था बाबू एलन हरदास। उनकी कहानी आई बिल्कुल। मैंने इसके लिए पहले तो ये किया कि सचिन सर और ममूटी जी, इन्होंने ये किरदार निभाया था, मैंने उनके थोड़े रेफरेंसेस लिए, नोट्स लिए। मैंने थोड़ी लिबर्टीज लेने की कोशिश की क्योंकि बाबा अम्बेडकर साहब ऐसा बताते हैं बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। मैंने कई जगह आई ट्राई टू स्टक टू इट, मैंने कोशिश की है कि उसी के इर्द गिर्द रहूँ। मैं बेसिकली मराठी स्पीकिंग एक्टर नहीं हूँ इसलिए, लेकिन मुझे बहुत प्रिपरेशन की ज़रूरत थी। मैंने 1.5 महीने तक लगातार मराठी में लोगों से बात की है, मैंने मराठी में पूरा ग्रिप लाने की कोशिश की और इस रोल के लिए मैंने 10 किलो वजन बढ़ाया। बढ़ा तो लिया, अभी कम करने के लिए ना नहीं याद आ रही है, बट ठीक है। नहीं, इस रोल के लिए 10 नहीं, मुझे कुछ भी करना होता आई वुड हैव डन इट। थिएटर से हूँ, 5 साल से थिएटर्स कर रहा हूँ, ड्रामास लिखे हैं, ड्रामास डायरेक्ट किए हैं, अभी 2-3 पिक्चर्स कर रहा हूँ। हाल ही में अकीरा रिलीज हुई, उसमें छोटा सा रोल था, चल अकेला रे कर रहा हूँ, चल अकेला रे, और अभी ये बाबा साहब अम्बेडकर की मूवी। बिल्कुल नहीं, बहुत ज़रूरी था, न सिर्फ मेरे लिए, हम सबके लिए थोड़ा डरे रहना बहुत ज़रूरी था। जब तक डर नहीं होगा आदमी उस चीज़ में परफेक्शन नहीं लाएगा। एंड हम हर कदम पे चौकन्ना थे कि हम जो बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हम जो प्रॉप्स यूज़ कर रहे हैं, हम जो शर्ट टाई घड़ी जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो हमारे इर्द वो बाबा साहेब अम्बेडकर से हटकर नहीं होनी चाहिए थी। एंड वो फील लाने के लिए हम सब डरे हुए थे एंड हमने पूरी कोशिश की। एंड आज वो डेट आ गई जब मूवी रिलीज़ हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। संदेश, बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन अपने आप में एक संदेश है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। हम आज इतने भी जो झगड़े हो रहे हैं ऊंच नीच को लेके, कौम को लेके, उन्होंने इस चीज़ पे हमेशा अपनी टिप्पणी रखी एंड बहुत स्ट्रांगली रखी कि नहीं, सब एक है, छोटा बड़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब एक है। उन्होंने उस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली किया। ये संदेश तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ आना ही है, बट इस कहानी में, इस पिक्चर में ये संदेश के साथ साथ बाबू हरदास एलन जी की जीवन को भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में इसलिए नहीं बताऊंगा, वो आप पिक्चर देखेंगे तो पता चलेगा। फ्लैशबैक में नहीं है, आप देखेगा इसको तो पता चलेगा। जी हाँ, आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर फॉरेन से आए थे, उन्होंने अपनी डिग्री वगैरह लंदन से जो लेकर इंडिया आए थे, तो यहाँ पे उनका बेसिकली उनकी लैंग्वेज हिंदी थी। फिर जब वो सीपी बरार प्रांत में आए वहाँ पे उन्होंने मराठी लोगों के साथ कनेक्टिविटी के लिए मराठी में भी बात की। वो देश भर में जहाँ जहाँ घूमे हैं वहाँ की लोगों भाषा में उन्होंने बात करने की कोशिश की। एंड हिंदी में भी उनका बहुत अच्छा था, लोग उनकी हिंदी से भी कनेक्ट होते थे, इसलिए उन्होंने इस मूवी का टाइटल हमने वो रखा जो ऑल ओवर इंडिया कनेक्ट हो, बोले इंडिया जय भी। जी नहीं, आप ये देखिएगा इसको हिंदी में भी रिलीज करने वाले हैं। मैंने पहले तो उनके, मैं बहुत ज़्यादा रीड नहीं करता, लेकिन जैसे ही मुझे रोल के बारे में पता चला मैंने उनके बारे में रीडिंग शुरू की। मैंने मेरी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, हाथ कैसे होगा उनका, गर्दन कितनी ऊपर रखेंगे, मैंने कोशिश की उनके नज़दीक पहुँचूँ। आज वो इतनी महान व्यक्ति है मैं उन तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन मैंने मेरी पूरी कोशिश की है, मैंने जान लड़ा दी इसके लिए कि मैं बेस्ट जो कर सकता हूँ मैं करूँगा, एंड मैंने कोशिश की है। बाकी आप जनता जनार्दन, आप लोग बताएंगे मैं कितना सक्सेसफुल रहा हूँ कितना। ये है कि मैं एक जस्ट लाइक अ फ्रीडम फाइटर हूँ, जो पहले मध्य प्रांत में ये जो ईयर्स है इसमें 2004 से 2039 तक का है। इसमें मध्य प्रांत में पहले जो नागपुर सिटी है वो पहले मध्य प्रांत में आती थी दैट टाइम, पर अभी तो महाराष्ट्र में आती है। और दैट टाइम वहाँ के पहले MLA थे बाबू हरदास, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, उनके उनका कैरेक्टर मैंने निभाया हुआ है। एक्चुअली मेरा
एक्चुअली आई एम ये इसी फील्ड में हूँ, तो मेरा एक सपना भी था कि मुझे एक फ्रीडम फाइटर का एक कैरेक्टर भी करना है ऑलरेडी, तो और बाय चांस मुझे मतलब एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई कि ये कैरेक्टर निभाने की बिकॉज ऑफ द सुभाष नागदेवी जी एंड सौरभ सर एंड ऑल्सो द दोषी सर जी, इन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर आप निभाओ। हाँ डर तो लग रहा था थोड़ा, बट वन थिंग इज दैट कि अगर आपको टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम यू हैव टू फेस इट, अगर उससे भागोगे तो आज नहीं तो कहीं कल तो भी उसे फेस करना ही पड़ेगा कभी ना कभी, तो यू जस्ट हैव टू डू द डेयर अबाउट दैट एंड जस्ट फेस इट। नहीं नहीं फ्लैशबैक में नहीं है, वो फिल्म में है। ठीक है हम सोचते हैं इस बारे में, अगर हिंदी में रहता तो हम चाहते कि हम हिंदी में रिलीज करें, पर फिलहाल तो हम इसे मराठी में रिलीज कर रहे हैं। लेट्स सी वी गोना थिंक अबाउट दैट देन वी गोना रिलीज इट इन द हिंदी आल्सो। गाने तो अच्छे हैं सर, सुन लीजिए आप। नागदेव है फिल्म का डायरेक्टर राइटर। सबसे पहले सबको नमस्कार, बोले इंडिया जय भीम का आज म्यूज़िक लॉन्च है, इस उपलक्ष्य में आप सब रिपोर्टर्स और जितने भी यहाँ पे मीडिया पर्सन है मैं सभी का स्वागत करता हूँ। ये फिल्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो प्रथम पंक्ति के यानी कार्यकर्ता थे, यानी इंडिपेंडेंस से पहले बाबू हरदास एलन, जिन्होंने जय भीम का नारा दिया, जो नारा यानी अपने देश के साथ में सारी दुनिया में गूंजता है और यानी हर कोई यानी इस चीज़ को मानता है कि जय भीम के सिवा इस देश का कोई चारा नहीं है, उनके जीवन पर आधारित है कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरीके का यानी एक कार्यकर्ता किस तरीके से हो सकता है, समाज कार्य किस तरीके से हो सकता है और देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और साथ में दलितों का कैसे उत्थान हो सकता है। बाबा साहब की जो मूवमेंट्स थी वो मूवमेंट्स को किस तरीके से सेंट्रल इंडिया में उन्होंने खड़ा किया, उसका सारा सारांश हमने इस फिल्म में डालने की कोशिश की। एक बहुत बड़ा यानी बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि जय भीम किसने दिया है, सब बोलते हैं कि बाबा साहब ने बोला। मैंने कुछ लोगों से पूछा, जब इसका यानी हमने शोध लिया और हमें तो पहले से मालूम था लेकिन हमने लोगों की ये चीज़ हर किसी के पास में जाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि जय भीम बाबा साहब ने नहीं दिया है, ये बाबा साहब के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे जो नागपुर जो उस प्रदेश की राजधानी था उस ज़माने में, उसके वो पहले MLA थे जब 1937 में इलेक्शन हुआ, और जिस कंडीशन में उन्होंने अपने जीवन में रहते हुए इस आदर्श को अपनाया, यानी उस आदर्श को आज के जो भी MLA है या MP है वो बिल्कुल यानी उस चीज़ों को अपना नहीं सकते। उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरीके से है, उस ज़माने में उनका कैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, और गरीबी में रहते हुए भी कैसी देश सेवा की जा सकती है, गरीबों की किस तरीके से सेवा की जा सकती है, उसका आदर्श उन्होंने इस फिल्म के माध्यम से देने की कोशिश हमने की है, जो डेफिनेटली आज के नौजवानों के साथ साथ हर दर्शक को अपने ऐसा आत्मीयता से इस फिल्म को देखने की कोशिश करेंगे। हमने हर वो इमोशंस को डालने की कोशिश की है कि जो इंसान की भावनाओं को जागृत करें, और डेफिनेटली आप लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आएंगी, और भलाई हालांकि ये मराठी में है फिल्म है, हम इसका कोशिश कर रहे हैं कि इसको हिंदी में डब किया जाए और साथ में इंग्लिश में भी डब किया जाए। ये ऐसा है कि यह पूरी स्टोरी बिफोर इंडिपेंडेंस यानी 1940 के पहले की स्टोरी है, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने की स्टोरी है। अब अंग्रेज़ों के ज़माने में ऐसा था कि बाबा साहब जो एकमात्र दलितों के नेता थे, बाकी जो थे दूसरे यानी चाहे कोई भी पार्टी के हो, ये अलग अलग पार्टी के नेता थे, लेकिन बाबा साहब के ऐसे नेता थे कि सारे यानी एक साइड में हो जाते थे और बाबा साहब एक साइड में रहते थे। लेकिन बाबा साहब एक साइड में रहने के बावजूद भी, भला ही बाबा साहब बड़े थे लेकिन बहुत से जो जमीनी तौर पर कार्य करने वाले जो नेता थे, जो उनके साथ में कार्य करते थे, जिनके नाम ऊपर नहीं आ सके किसी कारणवश, इस फिल्म के माध्यम से वो ऊपर आएंगे। बाबू हरदास एलन ये बहुत बड़ा नाम था, इनका भी जीवन में इतना बड़ा सेक्रीफाइस है दलितों के लिए है, इस देश की जनता के लिए है, कि कोई भी चीज़ बड़ी, अभी जैसे मकान बनाते हैं तो मकान कोई ऐसे नहीं, उसके लिए नींव रखी जाती है। अब नींव कौन है, तो हमारे कार्यकर्ता होते हैं,
अगर कोई भी बड़ा नेता तभी बनता है जब उसके कार्यकर्ता, चाहे गांधी जी लीजिए, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस लीजिए, चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लीजिए, उनके कार्यकर्ता अगर स्ट्रांग रहेंगे तो नेता उतना ही स्ट्रांग होता है, उतना ही वो कार्यान्वित अपने कार्यों को करता है। तो सेम चीज़ बाबा साहब के बारे में भी है कि बाबू हरदास ने उनके कार्य को जमीनी सतह पर इस तरीके से किया कि ऑटोमेटिकली बाबा साहब को इतना विश्वास हो गया उनके ऊपर कि भाई इनके सिवा कोई दूसरा कर नहीं कर सकता। और उनकी सिर्फ 35 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। 35 साल की आयु में तो हम सोच नहीं सकते उन्होंने जो कार्य किया है। वो दुनिया के सबसे कम उम्र में एडिटर बने, यानी 18 साल की उम्र में उन्होंने महारट्टा नाम का न्यूज़पेपर निकाला, जो कि एक हिस्ट्री है। तो उस जमाने में जबकि इन लोगों को कोई सुविधाएं नहीं थी, दलितों को कोई सुविधाएं नहीं थी, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने अपने जीवन में की है, और इसी चीज़ को हमने आगे लाया है। फिल्म मराठी में है, बोले इंडिया। नहीं, डेफिनेटली हमारा प्लानिंग है कि फिल्म हिंदी में भी डब की जाए, यहाँ तक कि हमारा प्लानिंग है कि फिल्म अंग्रेजी में भी डब की जाए, जो फ्यूचर में हम करेंगे, वो करने वाले हैं, सब टाइटल्स भी हम डाल लेंगे, यानी समझेगा। लेकिन कैसा है कि चीज़ों को जैसे आसानी से लोगों के पास में लेके जाने के लिए एक मराठी तो माध्यम ही है, लेकिन एक लिमिटेड माध्यम है। कल चल के अगर ये फिल्म हिंदी में हो जाती है तो बोले इंडिया जो भी अपने आप में ही यानी एक बहुत बड़ा टाइटल है, ऐसा है। तो हमने उसी हिसाब से रखा गया कि भाई लोगों को आसानी से समझे, कभी बाबू हरदास इनकी वाली जीवन सारणी तो लोगों को शायद उतनी आसानी से ना समझे, लेकिन जय भीम के नाम से जब वो आएंगे और रियलिटी देखेंगे कि बाबा साहब भी इसमें है, बाबू हरदास भी है, उनकी जीवन सारणी भी इसमें है, तो लोगों को एक अलग तरीके का अनुभव इस फिल्म के माध्यम से मिलेगा। हमारे आर्टिस्ट बहुत बढ़िया थे। नागपुर में जब हम शूट कर रहे थे ये, तब 50 डिग्री सेल्सियस जहाँ कर रहे थे, जिस खेड़े में हम कर रहे थे, जिस गाँव में हम कर रहे थे, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान था, जो कि मुंबई में तो हम सोच नहीं सकते और दुनिया के किसी कोने में भी यहाँ पर शूटिंग हो नहीं सकती है। लेकिन हमारे जो आर्टिस्ट थे जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रोल किया, बहुत बड़े यानी प्ले करने वाले हैं, यानी नाटक के बहुत बड़े हस्ती है वो।